मीठे के दीवाने जो होते हो ना, उनको कंडेंस मिल्क बहुत पसंद होता है। कई लोग तो अपने फ्रिज में यूं ही रखते हैं कि दे जस्ट लव इट। कई सारे डेजर्ट्स बनाने के लिए भी कंडेंस मिल्क का यूज होता रहता है। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट वाला कंडेंस मिल्क विदाउट कस्टर्ड पाउडर एंड विदाउट मिल्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लो आधा कप के करीब, और अब आप ले लो 1/4 कप के करीब पीसी हुई शक्कर। मुझे बिल्कुल थोड़ा सा बनाना है इसलिए मैं ये कम ले रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर दो। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो बिल्कुल आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए उसी रेशियो से जिस रेशियो से मैंने बताया है। अब इसमें जाएगा 3/4 कप के करीब वार्म वाटर। बस अब आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसके सारे लम्प्स हट जाने चाहिए, इसमें कोई भी लम्प नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए। ये देखिए सारे लम्प्स हट चुके हैं, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आप एक पैन ले लो, कोशिश करो कि नॉनस्टिक पैन हो, और उसमें हमारा ये मिक्सचर आप डाल दो। और आज बिल्कुल धीमी रखना है, बिल्कुल कम, वरना 2 ही मिनट में आपको जलने का स्मेल आने लगेगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब घी। ये टेस्ट को बड़ा इंक्रीज करता है कंडेंस मिल्क के। ओके, अब इसको धीमी आंच पर हमको कंटिन्यूअसली चलाना है तब तक जब तक ये उस कंसिस्टेंसी तक ना पहुंचे जो हमें चाहिए। और हार्डली इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं, मतलब उससे ज्यादा टाइम ये लेता ही नहीं है। अगर आपने ज्यादा टाइम रखा तो ये जल ही जाएगा। तीन मिनट के बाद ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। स्टर करना कंटिन्यू चलने दीजिए, वरना ये तुरंत चिपक जाता है, नीचे जल जाता है और इसके लम्स भी बन जाते हैं। ओके, जब हम स्टर कर रहे हैं इसको तो साइड में थोड़ा सा लग जाता है, इसको हमें निकालना है और बाकी लिक्विड के साथ इसको मिक्स कर देना है। ओके, अब गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ, क्योंकि हमें वही मिल गई कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए थी। 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं पकाएंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड जैसा दिखेगा आपको, इज़न्ट इट। तो ये थी हमारी झटपट कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी। ओके, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, एंड कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव हैप्पी फूड, हैव फन, एंड बाय बाय।